हेलो फ्रेंड्स, सुधा की रसोई में आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं एक बथुआ की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल हटके है। आप रेगुलर बथुआ का साग या बथुआ का रायता या बथुआ का पराठा, सारी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो यहाँ पे बथुआ की कढ़ी लेके आई हूँ जिसे आप लंच में या डिनर में बना के खा सकते हैं। और ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है, डिफरेंट टिप्स के साथ है। कुछ अलग सब्जियाँ डाल के मैं इस बथुआ की करी को बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपने भी बथुआ की करी या कढ़ी बनाई होगी, तो इस तरह से नहीं बनाई होगी, तो एक बार इस रेसिपी को मेरे टिप्स के साथ ज़रूर बना के देखें। तो फटाफट शुरू करते हैं बथुआ की कढ़ी बनाना। तो यहाँ पे बथुआ को धो के उबाल के एक सीटी लगाया था कुकर में, और फिर उसे ठंडा करके इस तरह का पेस्ट एक छोटी कटोरी ले लिया है मैंने, जो 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। और इसमें मैं कुछ सब्जी डाल रही हूँ जो है शिमला मिर्च, और 2 आलू लिए हैं। तो शिमला मिर्च को इस तरह के स्लाइस में काट लिए हैं, चौकोर स्लाइस में, और आलू को भी उसी तरह से काट लूँगी मैं। और यहाँ पे जो तेज पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च ली है जो तड़के में जाएगी। कढ़ी मैंने बोला है तो कढ़ी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी कटोरी दही ली थी, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच से बेसन घोला है। बेसन घोलने से क्या होता है, आप फेंट के बेसन डाल के इसे 15 से 20 मिनट पहले रख लें। और बेसन डालने से आप धीमी आंच पे जब इस दही को मिक्स करेंगे इस कढ़ी को बनाने के लिए, बथुआ की कढ़ी को, तो ये फटेगी नहीं। तो जब भी आप कढ़ी या दही की सब्जी बनाते हैं तो 1/2 बड़ा चम्मच या 1 बड़ा चम्मच उसमें बेसन डाल लें तो दही फटने का चांस नहीं रहता है। और उसे धीमी आंच पे ही डालें और लगातार चलाते रहें तो दही फटती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच दही ले लिया है। जब इसे दही का फेटा हुआ बेसन के साथ यूज़ करेंगे तो अभी हल्का सा इसमें पानी डाल के पतला भी कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट, जो 1 बड़ा चम्मच जाएगा। और इसी के साथ मैंने 2 से 3 लहसुन काट भी लिए हैं। तो किसी भी तरह का साग या कढ़ी बनाते हैं, थोड़े से कटे हुए लहसुन के टुकड़े डालें तो अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा टेस्ट आता है उस कढ़ी का। और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिया है, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। और मसालों में जाएगा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, जो थोड़ा सा ब्राइटनेस आएगा इसको डालने से, तीखी नहीं होती ये। हल्दी को डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच, यहाँ पे भी 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच, बिल्कुल 1/2 छोटा चम्मच हो, उससे कम ना हो, हल्दी पाउडर जाएगा, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला जाएगा, नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ेगी जो ले लिया है मैंने, हींग का तड़का मारेंगे 2 पिंच, और इसे सरसों के तेल में बनाऊंगी तो 2.5 से 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल डालेंगे। तो बस फटाफट बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर एक पैन रख के तेल डाल दिया है मैंने, तेल गरम हो चुका है। और यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे लाल खड़ी मिर्च, तेज पत्ता, हल्का सा इसे रोस्ट हो जाने दें, 10 सेकेंड के बाद डाल दें हींग, और उसी के तुरंत बाद डाल देंगे कटे हुए लहसुन के टुकड़े। मीडियम हाई फ्लेम पे करके लहसुन के टुकड़ों को हल्का सा सौते कर लेंगे। जैसे ही लहसुन हल्के से सौते हो जाए, इसी के साथ डाल देंगे कटे हुए बारीक प्याज। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो प्याज, इसी के साथ आलू और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेंगे। और ऑलमोस्ट इसको हम पका ही लेंगे, तो आलू उतना पक जाए जितना उसमें क्रंचीनेस बचा रहे, शिमला मिर्च भी उतना पके जितना क्रंचीनेस इसमें बचा रहे, बिल्कुल मैशी ना हो जाए। तो इसे हम बीच बीच में चलाते हुए ढक के पका लेंगे हल्का सा नरम हो जाने तक। तो यहाँ पर ये 50% कुक हो चुका है, तो इसमें हमें अभी टमाटर भी डालना है। और टमाटर को भी, जो टमाटर की प्यूरी है, उसको भी तेल अलग होने तक पकाना है। तो जो 50% बचा है उसके साथ भी ये आलू पक जाएंगे। तो अभी हम डाल देंगे इस पॉइंट पे आके लहसुन अदरक। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे हम टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे चलाते हुए धीमी आंच पर ही ढक के, बीच बीच में चलाते हुए टमाटर को तेल के अलग होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो बीच में मैंने 2 से 3 बार चलाया था, और आप देख पा रहे होंगे कि मसाला जो है तले से अलग होने लगा है, तेल अलग दिखने लगा है। तो सारी सामग्री इकट्ठी हो गई है, तले से बिल्कुल अलग होकर इकट्ठी हो रही है। तो ये चीज़ हमारी पक चुकी है। तो जब ये सारे मसाले पक जाएं,
तो हम डालेंगे गरम मसाला लास्ट में ताकि इसका फ्लेवर बना रहे, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स कर लें इसे। तो अभी जो हमें डालना है वो डालना है हमें दही और बेसन का घोल। तो 3 से 4 बड़े चम्मच वो मैंने गाढ़ा घोल लिया था, उसको हल्का सा पतला कर लिया है मैंने। और यहाँ पे एक ख़ास बात ध्यान देने की है कि दही ज़्यादातर फटने का चांस रहता है, तो कढ़ाई का टेम्परेचर बिल्कुल हाई पे है, तो बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे अगर दही डालते हैं तो फटने का चांस रहता है। तो थोड़ा सा पानी डाल के हम इसके टेम्परेचर को डाउन कर देंगे ताकि कढ़ाई और थोड़ी सब्जियाँ ठंडी हो जाए, तो बिल्कुल इसे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दही को ना मिले, क्योंकि हमें इसे कढ़ी है तो हल्का सा पतला बनाना है। तो आप पानी शुरू में डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप पानी डालें उसके तुरंत बाद आप ये दही का घोल डाल दें और तुरंत चलाना शुरू कर दें। और दही डालने के बाद बिल्कुल टेम्परेचर एकदम से हाई ना करें, फ्लेम हाई ना करें, इसे धीरे धीरे ही गर्म होने दें और चलाते रहें इस तरह से। फिर दही फटती नहीं है और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनके तैयार होगी। तो जब इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाएगा धीमी आंच पर ही, तो हम इसमें डालेंगे लास्ट में नमक और बथुआ पिसा हुआ। तो मीडियम हाई फ्लेम पे रखा है गैस को मैंने और इसमें हल्के से बॉयल आने शुरू हो गए हैं। इसी पॉइंट पे आके डाल देंगे हम ये पीसा हुआ बथुआ और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हल्का सा कढ़ी है जो थोड़ी सी पतली सी रहे, बिल्कुल थिक ना रहे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके साथ। हल्का सा पानी और डालते हैं। हर चीज़ पकी हुई है, बहुत कुछ हमें पकाना नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि इसे फिर हमें सुखाने के लिए ज़्यादा देर तक रखना पड़े गैस पर। तो बस 2 से 3 मिनट इसे बॉयल देना है। अभी गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई पे कर लें ताकि इसमें बॉयल आ जाए और हल्का सा पानी और डाल लें। तो हाफ कप के लगभग मैंने इसमें पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें और इसी टाइम डाल देंगे यहाँ पर नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। अच्छे से मिक्स कर लें और एक बार बॉयल आ जाए हाई फ्लेम पे, तो मीडियम हाई फ्लेम पे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लें। तो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया, टेक्सचर बड़ा अच्छा आया है। इसमें शिमला मिर्च आलू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपको ये कढ़ी प्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे पूरे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और धीमे धीमे आंच पे ही इसे मैंने पकाया है और ये कढ़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहें तो हल्का सा और पतला कर सकते हैं अगर आप चाहें, नहीं तो जो कढ़ी की कंसिस्टेंसी होती है ये इसी पॉइंट पे सही लग रही है। तो बस इसे गैस बंद कर देती हूँ और यहाँ पर ये रेसिपी तैयार है। इसे निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। बहुत ही अच्छे कलर के साथ, बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ बथुआ की कढ़ी तैयार हो गई है। आप इसे राइस के साथ, जीरा राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ या रोटी चपाती नान के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा सबको। तो बथुआ का सीजन है, फटाफट इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।